नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज़। बिलारी में गन्ना समिति में सहकारी गन्ना विकास समिति के संचालक डायरेक्टर पदों पर निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर गन्ना समिति के सामने भाकियू टिकट के पदाधिकारियों ने घंटों धरना दिया तथा चुनाव में धांधली न हो तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाकियू टिकट के जिला प्रवक्ता जयवीर सिंह ने रखी अपनी बात। हमारे जो है ये पर्चे भरे जावे और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इस पर डायरेक्टर पद के प्रत्याशी और डायरेक्टर पद के प्रत्याशी होने के बाद अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें पर्चा दिया जाए, जिससे कि हम डायरेक्टर पद के चुनाव के लिए पूरी डिमांड रख रहे हैं कि हमारे यहाँ SDM साहब, CO साहब, प्रपाल साहब सब लोग अवेलेबल हैं और सब लोगों का कहना है कि RO साहब अवेलेबल नहीं है। RO साहब की तबीयत खराब है या उनको कुछ दिक्कत है, जो भी चीज़ें हैं वो इनके लेवल की बात है, प्रशासन की बात है। लेकिन अगर RO साहब की तबीयत खराब है तो उनकी जगह किसी और को भेजा जाए और अगर पर्चे की दिया जाए। यदि आज पर्चे का धरना इसलिए है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन मुरादाबाद। आज का धरना इसलिए है कि जो डायरेक्टरी का चुनाव है, सुबह से पर्चा 10 बजे से मिलने चाहिए थे, ना तो यहाँ RO साहब है और ना कोई है, और जो लोग यहाँ डायरेक्टरी लड़ रहे हैं उन्हें पर्चे मिल नहीं रहे, वे बेचारे परेशान हो रहे हैं। SDM साहब आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वार्ता कर रहे हैं, बार सबको ईमानदारी से पर्चा मिलने चाहिए और जैसे इलेक्शन है गन्ना समिति का वैसे होना चाहिए निष्पक्ष। उसमें क्या बात है कि RO साहब गायब हो गए और लोग जो है 11 पर्चे मिलेंगे और ये होगा वो होगा। जो पर्चा लेना चाहता है उसे पर्चा दिलवाया जाए, जो ना लेना चाहता उसे ना दिया जाए, जो लड़ना चाहता वो है। यहाँ तो RO साहब ही गायब है, यहाँ कोई है ही नहीं और आज की डेट लगी हुई है। अब SDM साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो RO साहब का स्विच ऑफ है। भाई ये क्या बात है कि RO साहब का स्विच ऑफ है? हम तो ये कह रहे हैं RO साहब आके अपने जो पर्चा जो है दिलवाएं हमें। सब लोगों की यही मांग है हमारी, तो इसी चीज़ की हमारी मांग है कि हमारे लिए पर्चा दिया जाए और जो भी चीज़ें हैं वो निष्पक्ष तरीके से रखी जाए। क्योंकि आज से पहले भी धरना लगा था, डेलीगेट का जब इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये चीज़ करी गई थी कि एक ही गांव के 12 पर्चे भरे गए, 2 सगे भाइयों के छोड़ के बाकी 10 लोगों के पर्चे खारिज कर दिए गए। ऐसी उनमें क्या गलती थी उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। हमारी वीडियोग्राफी वगैरह हर चीज़ की तैयारी है, हमारे पास एडवोकेट भी है, हमारे 4 एडवोकेट हमारे साथ हैं हाईकोर्ट के, और हमारा पूरी व्यवस्था है कि कल को हमारे पर्चे में कोई भी ये गलती ना कर सके कि ये चीज़ तुमने करी है, क्योंकि हमारे पास पूरी प्रूफ के तरीके से हम चल रहे हैं। तो हम इस चीज़ की पूरी वीडियोग्राफी कराएंगे और पूरी तरीके से अपने पर्चे की मांग कर रहे हैं कि हमारे पर्चे के लिए हमें दिया जाए और हम उसको भर के RO साहब को सबके सामने दें। अभी तक हमको पर्चा नहीं दी गया, सुबह से हमारी डिमांड चल रही है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है जो सूची इन्होंने जारी करी थी और कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि पर्चा हम आपको दे रहे हैं। सब RO साहब के ऊपर डाल रहे हैं और RO साहब यहाँ पे है नहीं।